नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आप में से बहुत लोग सैमसंग गैलेक्सी जेड प्लस के लिए वेट कर रहे हैं, जो गैलेक्सी जेड का एक सक्सेसर होने वाला है। लेकिन क्या आप इस फोन की 3 नेगेटिव बातें जानते हैं? तो चलिए आज उसी के बारे में आपसे बात करते हैं। पहला है बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों, इस फोन में प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलेगा। एक्चुअली अगर आप 18 से 20 हज़ार रुपये के प्राइस में एक प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाला फोन को परचेस करेंगे तो ये सही बात नहीं होगी। दूसरा है प्रोसेसर। इसमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा, और जहां आपको एक तरफ 10,000 के नीचे इससे काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक हीलियो P60 का, जो ओप्पो रियलमी 1 में मिलता है, तो क्यों आप इतने पैसे देके पुराना प्रोसेसर वाला फ़ोन को परचेस करेंगे। तीसरा है डिस्प्ले। एक्चुअली कुछ रूमर्स की माने तो इस बार भी आपको HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से आपको ये फ़ोन परचेस नहीं करना चाहिए। तो यह है कुछ रीज़न या फिर नेगेटिव बातें इस नए गैलेक्सी जेड प्लस के बारे में। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए।